अच्छा जी, प्रीवियस सेशन के अंदर हमने कुकीज़ का जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। इस सेशन के अंदर हम प्रैक्टिकल को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं एडिटर की तरफ और यहाँ पे आके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, कुकीज़ डेमो डॉट HTML फाइव। इसके अंदर हम कुकीज़ पे काम करेंगे। स्क्रिप्ट का टैग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। सही है। अब आप लोगों ने थ्योरेटिकल जब पढ़ा था तो कुकीज़ के दो टाइप होते हैं, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट। यानी कुछ कुकीज़ जिनका आप टाइम पीरियड बताते हैं तो वो कुकीज़ परसिस्टेंट होती हैं, सही है। और वो कुकीज़ जिनका आप टाइम पीरियड नहीं बताते वो हमारी क्या होती है, नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं, सही है जी। चले अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आके कुकीज़ को क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इस तरह से। कौन सा क्लियर है? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, यहां पे आके अब आपको दो चीजें बतानी, एक की फिर इज इक्वल लगा के उसकी वैल्यू। समझ में आ गया सबको? सही है। अब कुकी को डिफाइन करने का ये तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी फिर इज इक्वल की सिंबल, डबल कोट या सिंगल कोट शुरू किए, क्लोज किए, उसके अंदर आपको पहले तो की बतानी है, फिर क्या बताना है, वैल्यू बता। सही है। अभी देख लेते हैं ये की जो है वो किस तरह से सेव हो रही है। मैं कर देता हूं की वन, ये मैं कर देता हूं टेस्टिंग कुकीज, सेव दिस, एग्जीक्यूट, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं, एप्लीकेशंस के अंदर, और यहां पे देखते हैं कुकीज सेव हैं या नहीं। तो आप देखेंगे एक कुकी आ चुकी है जिसका नाम की वन है, वैल्यू क्या है उसकी, टेस्टिंग कुकीज। सही है। किस डोमेन से आ रही है वो कुकी, लोकल होस्ट से। उसके बाद उसका पाथ ये है। अब इसका देखें क्या लिखा हुआ है, सेशन की तरह काम करेगी क्योंकि इसकी हमने डेट नहीं बताई, डेट नहीं बताई ना कि कब तक ये कुकी सेव रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब डेट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको देखें दो तरीके बता रहे हैं। आप यहां तो एक्सपायर्स लिख के डेट बता दें या फिर क्या लिखें, मैक्सिमम एज, कि कुकी की एज कितनी है, सही, या ये कुकी कब तक सेव रहेगी। कौन सा क्लियर हो गया? यानी अगर मैं यहां आता हूं और इस जो है वेब ब्राउजर को करता हूं बंद, ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं एक और प्रोग्राम में चला देता हूँ, एक और प्रोग्राम इसको राइट क्लिक करके लाइव सर्वर में चला देता हूँ, इसकी यूआरएल कॉपी कर देता हूँ। अब वेब ब्राउजर बंद करते हैं, फिर से इसको ऑन करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इवन प्रोग्राम चला ही देते हैं दूसरा वाला। लाइव सर्वर जरूर होना चाहिए जब आप कुकीज पे, सेशन पे, इन तरह की चीजों पे काम कर रहे हैं, सही है। लाइव सर्वर चल रहा है लेकिन कुकीज वाला प्रोग्राम नहीं चल रहा जिसके थ्रू कुकी आपकी सेट हो रही हो। अब आप यहां पे आते हैं और यहां पे आके देखें एप्लीकेशन के अंदर आपके पास कुकीज कहाँ सेव हैं जी, यहां पे कोई कुकी नजर आ रही नहीं, यही चला रहे थे ना इसी वेब ब्राउजर के ऊपर, सही है। तो हमारे पास कुकीज की लाइफ टाइम तब तक होती है अगर आपने डेट नहीं बताई जब तक वेब ब्राउजर ऑन है, जैसे वेब ब्राउजर बंद आपकी कुकीज वाइंड अप। कौन सा क्लियर है? हाँ, अगर आप कुकीज की डेट एंड टाइम बता देते हैं बेटा तब तक फिर ये सेव रहेंगे भले वेब ब्राउजर बंद ही क्यों ना हो जाए। समझ में आ रहा है? अभी आपने जो कुकी बनाई उसका कोई डेट एंड टाइम आपने नहीं बताया था, अब जो मैं कुकी बनाऊंगा उसका डेट एंड टाइम बता देंगे। मैं यहां आता हूं, कॉपी दिस, मैं इसको कहता हूं की टू और इसको सेमी कॉलन देंगे इस तरह से। यानी एक की थी, एक वैल्यू थी, उसके बाद आपने लिखा मैक्सिमम एज और इज इक्वल लगाने के बाद अब आपको यहां पे डेट बतानी, क्या बतानी है, डेट। अब प्लस लगा के अब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते, 60, तो आप लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय फिर से 60 क्योंकि मैं एक दिन के लिए सेव करना चाहता हूं। इसी तरह से जैसे 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 है ना, फिर आपको 1 दिन के अंदर कितने आवर्स मिलते हैं,
24 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मकसद पता है क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ, अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करो तो कितने सेकंड बनते हैं? जितने भी सेकंड बनते हैं वो एक दिन के अंदर सेकंड होंगे। समझ में आ रहा है? इसका मकसद सिंपल है बेटा, आपके मैक्सिमम एज वाला ये जो क्या है, इसका पैरामीटर है, इसको वैल्यू जो चाहिए सेकंड्स में चाहिए। किसमें चाहिए? सेकंड्स में। समझ में आ रहा है? तो आपको वैल्यू किसमें देनी है? सेकंड्स में देनी है। तो यहां पे आके आपने बता दिया कि एक दिन के जितने भी सेकंड बनते हैं हमने मल्टीप्लाई कर लिए ना सारे, तो आप क्या करो, एक दिन के लिए कुकी सेव करो। सही है? अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो की टू के पास जो वैल्यू है, कुकी टू कर देते हैं इसको, अब इसको चलाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, और यहां पे एप्लीकेशन के अंदर आप देखेंगे एक की वन है और एक की टू है। इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? जब तक सेशन ऑन है। और इसकी क्या है बेटा? 11 मार्च तक। यानी आज हमारे पास 10 मार्च है ना, तो ये कल तक कुकी क्या होगी? सेव रहेगी। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? सही है? तो आप ऐसे ही जितने दिन या जितने आवर्स जितने मिनट आप कुकी को सेव करना चाहते हैं इसी तरह से वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, चले मैं कुछ सेकंड में देने की कोशिश करता हूं, अगर ये काम कर लेती है तो वी विल वर्क विथ इट एज वेल। कॉपी दिस, पेस्ट दिस। अब मैं इस कुकी का नाम की थ्री रख देता हूँ, वैल्यू भी रख देते हैं, कुकी थ्री है। अब इसको मैं कह देता हूँ ये कुकी सेव होगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? कौन सा क्लियर है? मैं सेव करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, और आप देखेंगे ये कुकी कब बनी है बेटा? ये की थ्री, ये रही। श्योर है? अभी कितने हो रहे हैं? 6:30। ये कब तक होगी सेव? सॉरी 4:30 है ये। आ रहे हैं यहां पे कोई टाइम? अब देखिए टाइम थोड़ा मर्ज किया हुआ है लेकिन यही टाइम है। ठीक है जी, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि ये जो चीजें यूज हो रही है ना GMT और इस तरह की UTC, इस वजह से भी आपको थोड़ा सा इसके अंदर चीजें मिक्स नजर आ रही है। लेकिन ये कुकी कब तक सेव हुई है? 5 मिनट तक। उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप अच्छा अगर इसको एक्सपायर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? राइट क्लिक करके यहां से खुद भी मैन्युअली कर सकते हैं। अगर यहां से आगे डिलीट नहीं करते तो तब तक ये कुकी नहीं जाएगी। समय आ गया? या कुकी ओवरराइड कर दे, क्या कर दे, सेम नाम से कुकी बनाए विदाउट डेट के, तो वो कुकी जो ऑलरेडी बनी हुई है वो क्या हो जाएगी? ओवरराइड हो जाएगी। ओवरराइड से मकसद, पहली जो कुकी सेव थी इसी नाम से, उसकी कोई एक्सपायरी डेट थी? आपने जो दूसरी बनाई सेम नेम से बनाई है ना, लेकिन उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं बताई, तो आपकी ऑटोमेटिक वो कुकी क्या हो जाएगी? समझ लो अनसेट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस तरह से हम कुकीज को क्या करते हैं? प्रैक्टिकली यूज करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एड टू कार्ट की फंक्शनलिटी को कर लेंगे।